स्वरयंस जीव अविनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश है हम, मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव हो श्री कृष्ण नित्य दास। जीव कौन है? हनुमान जी ने क्या जवाब दिया रावण को? दासो हम कौशलेंद्रस्य, मेरा एक ही रिश्ता है। लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? माता पिता भाई बंधु गुरु, हे राम सब आप मेरे हो। ये सुनकर के बहुत से लोग कहते हैं मैं भी लक्ष्मण जी की तरह हूँ, अब मैं भी सब भगवान को मानूंगा। ये संत ऋषि गुरु पुरु हमारे लिए कुछ नहीं है। बी अवेयर, सावधान। तब राम विग्रह में है, तब राम का अवतार है। अगर आज भी तुम्हें कहीं राम मिल रहे हैं, कृष्ण हैं, तो मैं भी कहूंगा सबसे पहले मुझे हटा देना, और या कहूंगा मुझे भी ले चलना, मैं भी दर्शन कर लूंगा। लेकिन अगर वो अवतार के काल में नहीं है, तब भगवान शिव ने पार्वती को गुरु गीता सुनाते हुए कहा, न गुरो अधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन भव निधि तरहिं कोई, जो बिरंचि संकर सम होई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, लेकिन कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम, हमें याद नहीं है तुम्हें बोलो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, क्षमूलम गुरुर्पदम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागुबाए, बलिहारी तब जानिए, जब दीन मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए, जब छुड़ा देवे
संसार गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे अज्ञान संसार। महाराज नामदेव ने विट्ठल को दूध पिलाई। नामदेव के साथ रोज विट्ठल की गपाष्टक होती थी, गपाष्टक जैसे हम तुम करते हो, राधाष्टक कृष्णाष्टक। सुशील बहुत खूब बहुत अच्छे। रामाष्टक बहुत सारे अष्टक, पर अभी तो वर्तमान में सबसे ज्यादा फेमस हम लोगों का गपाष्टक ही है, गपोड़ी लाल के गपाष्टक। ज्ञानदेव सोपानदेव मुक्ताबाई गोरा कुमार सावतामाली मध्यकालीन भक्तों का एक बड़ा सुंदर संगम लगा है और सत्संग हो रहा है। वहां पर नामदेव भी बैठे तो छोटी सी लाली उठती है ज्ञानदेव की बहन। ज्ञानदेव साक्षात ईश्वर के अवतार ही माने जाते। भैंसे के ऊपर में हाथ रख के कह दिया वेद बोल, वेद की ऋषाएं बोल, तो वैदिक ऋषाओं का मौलिक रूप से साकंठ प्रकाशन कर दिया भैंसा ने। और जब गुरु की कृपा से भैंसा भी बोध वेद बोलने लगे तो आज इस मुख से भी आप जो कुछ सुन रहे होंगे इस भैंसे पर भी मेरे गुरु सदगुरुदेव की कृपा ही है कि वो आके आपके सामने दो शब्द बोल पा रहा है। गुरु की कृपा अद्भुत है साहब, गुरु की कृपा अद्भुत, उनके बिना कुछ नहीं संभव है। नामदेव कीर्तन चल रहा था, उठ के पूछा कि गोरा कुमार काका ये जो तुम इतने घड़े सकोरे मिट्टी सब बनाते हो और फिर पकाते हो तो पता कैसे चलता है कि कौन पक गया कौन कच्चा रहा? गोरा कुमार बहुत बड़े भक्त हैं। तो गोरा कुमार ने कहा कि लाली ये देख एक डंडा है मेरे पास, टन्न से मारता हूं ऐसे, जो भद्द से कर गया अभी पका नहीं है और जो टन्न से कर गया ये पक गया। छोटी सी बच्ची मुक्ताबाई बोला गोरा काका तो यहां जो इतने घड़े बैठे हुए हैं इसमें कौन पक्का कौन कच्चा कैसे पता चलेगा? बड़े बड़े संत थे वहां, बड़े बड़े नामी। महाराज नाराज हो गए, नामदेव बाकी सब चुप है, कैसा प्रश्न करती है। गोरा कुमार भी वैसे ही मस्ती वाले थे, बोला ये डंडा ले पता कर ले, टन्न बोले वो भद्द बोले। मुक्ताबाई ने डंडा उठाया और उठा करके मुक्ताबाई ने एक एक संतों के इस पर मारना प्रारंभ किया। बैठे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, लक्ष्मी नारायण जी भी जा रहे हैं इसे और बाकी द्विवेदी जी बैठे हैं। और पूरी कथा में लक्ष्य करके आज बड़ी हम तो पहचानते नहीं, पहली बार देख रहे हैं। चलो बड़ी अच्छा, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। लग तो रहे हैं बड़े एकदम तेज तर्रार, पर विधायक जी हैं हम पहचानते नहीं। बड़ी आपका आभार और आप खूब आनंदित रहिए, धार्मिक रूप से खूब सेवा करिए, सांस्कृतिक रूप से। जय 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 जय। नामदेव ने जब नामदेव को डंडा पड़ा सबके ऊपर मुक्ता गाई टन 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 टन। बताओ सत्संग करने आए थे, डंडा पड़ रहा है। अभी यहां कोई उठे और उठ के डंडा लेके सबके माथे को बजाने लगे तो पता नहीं कितने लोग हमको बजा दें कि पागल हो गया है क्या, कथा में बुलवाया मार खिलवाने के लिए? इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है, डंडा उठाई मुक्ताबाई ने सबको मारा, सब चुपचाप रहे, पर नामदेव चिल्ला उठा ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं नामदेव हूं, 2.5 साल के उम्र में मैंने पुंडरीक पंडरीक
विट्ठल को दूध पिलाया, विग्रह को साक्षात रोज साथ बैठ के बातचीत करता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुक्ताबाई छोटी बच्ची है, बोला काका हाँ यहां सब घड़े पक्के हैं, यही कच्चा है। नामदेव तो और नाराज हो गए, बोला हम भगवान का दर्शन किए, भगवान का दूध पिलाए, भगवान हमारे साथ बात करते, नामदेव जी की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो मंदिर का पट बंद हो जाता था, भगवान किसी दिन रूठ जाते अगर भोग नहीं लगाते तो नामदेव जी को कहते भीतर भेजो, ये भोग लगाएंगे, और सारा भोग नामदेव जी उनको कराते। महाराज हमारी दृष्टि कुछ ऐसी है कि हमें कहां से नजर आएंगे, हमको तो हमारे आसपास वाले ही पत्थर नजर आते हैं, पत्थर दिल, तो पत्थर में भगवान कहाँ से नजर आएंगे। हमको देखने की अदा भी तो होती है ना, अदा हो तो दिख जाए, वो अदा तो है नहीं। एक ने कहा भगवान आपसे बात करते हैं, हम तो करते हैं, और हमसे क्यों नहीं करते, हम तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार भी बात नहीं करते, भगवान क्या करेंगे। जो रिश्तेदारों से, माता से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, अपनों से ठीक से बात नहीं करता, उससे ठाकुर बात भी क्या करेंगे। जगत के विराट स्वरूप ही तो जगदीश हैं, जगत जगदीश, जगत जगन्नाथ। तो जब अपने तुमसे खुश नहीं, हां उनको खुश करने के चक्कर में रहना भी मत, अपनों को खुश करने के चक्कर में मत रहना, तुम जगदीश के अनुरूप, गुरु के अनुरूप चलते रहना, निश्चय ही न किसी के अमर्यादित बात का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा न्यूटन के नियम के अनुसार हमें नहीं चलना, अरे हम सजीव हैं, चैतन्य हैं, सच्चिदानंद की संतान हैं, कोई वस्तु थोड़ी है न्यूटन के बनाए कि न्यूटन ने कह दिया और हम थर्ड लॉ का प्रयोग करने लगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नो, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, यहां रिएक्शन का स्थान नहीं है, यहां एक्शन का स्थान है। हमें हर चीज को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड करने में और रिएक्ट करने में बहुत अंतर होता है। गुरु आज्ञा पूर्ण करने में ऐसा सारा विवेक, सारी बुद्धि, सारा शक्ति उसमें लगा दिया। उपमन्यु काए तू बड़ा मोटा होता जा रहा है, बोला हाँ गुरुदेव कैसे खाता है, बोला जो भिक्षा मांग के लाता हूं उसमें से, बोला भिक्षा मेरे लिए मांगता है कि खुद के लिए, अब देखो गुरु कैसे, बोला नहीं गुरुदेव आपके लिए, हाँ तो मत खाया कर, ठीक 15 दिन के बाद फिर देखा तू तो अभी भी मोटा है, बोला गुरुजी एक बार आपके लिए मांगते हैं एक बार अपने लिए, अरे सन्यासी हो गया और गृहस्थों पर भार डालता है, बदनामी करेगा, खबरदार। जी गुरुजी 15 दिन के बाद फिर ऐसे ही। गुरुजी ने पूछा तू क्या खा रहा है, गुरुजी वो गैया का दूध पी लेता हूं। अच्छा गैया चराने की ड्यूटी तुझे मिली है कि दूध पीने की? जी गुरुजी नहीं, खबरदार। जी 15 दिन के बाद फिर मजा मच, और ये बोला अब क्या खा रहा है तू, बोला जब बछड़ा दूध पी लेता है और दूध पीने के बाद जुगाली करके जो फेन ओन उसके मुंह में लगाता फेन उसको पी के मैं रहता हूं, हमारा बछड़ा बहुत दयालु है तेरे कारण ज्यादा फेन निकाल देता होगा, खबरदार दोबारा मत पीना। गुरु है कि कसाई है? आज के समय में तो हमको लगता है 303 का राइफल लेकर के बोल्ट चढ़ा करके चेला मार देगा धाएं से। बोला तू जिंदा मत रह, तो कसाई है कि गुरु है तू बता, बोला दूध भी नहीं पीने दे रहा, फेन भी नहीं पीने दे रहा, उपमन्यु, और पूरा शास्त्र है इनके ऊपर। अब शास्त्र पढ़े नहीं तो उपमन्यु को कौन जाने, या आलिया भट्ट को जानने वाले लोग ये उपमन्यु कहां से जानेंगे, नहीं समझ सकते उपमन्यु कौन है। हमारे रोल मॉडल, हमारे चारित्रिक हीरो, हमारे सर्वश्रेष्ठ नायक, सबसे पहले गुलामी देने वालों ने उनको दफन कर दिया। उन्हें पता था भारत की अगर ओरिजिनल इतिहास को पढ़ा दिया गया तो भारत विश्व गुरु था, है और सदा रहेगा, लेकिन उसके इतिहास को दबा दिया, डाइवर्ट कर दिया, मिटा दिया, हमारे नायकों को नेपथ्य में ढकेल दिया, और पता नहीं कहां कहां के नायक खड़े कर दिए हमारे इतिहासों में। बाबर का बेटा कितना, अकबर का बेटा कितना, उसका बेटा कितना, हमें क्या मतलब है, हमको तो हमारा ही बेटा कितना, यही नहीं पता।
अपने बेटे का नाम नहीं पता है। 1526 में बाबर आया, 1526 में बाबर आया, 1526 में बाबर ने यहाँ की चढ़ाई की, बाबर ने उसको हराया। बंद कर यार, इतिहास इतना बस जानो, बाबर एक आक्रांता था, औरंगजेब आक्रांता था, दैट्स इट। इतना जानना ही काफी है। हमारे देश की संस्कृति को विनाश करने के लिए आया था। अब पढ़ाना है तो पढ़ाओ शिवाजी के विषय में, सड़क से उठा करके समर्थ श्री रामदास जी जैसे गुरु ने सड़क से उठाकर बालक को इसी राष्ट्र में मात्र 175 सोल्जर्स को लेकर के लाखों सैनिकों के मुगलों के दांत खट्टे कर दाने वाले अगर कोई सेनापति और राजा रहे हैं तो वो छत्रपति शिवाजी रहे हैं, और वो भी अपने गुरु की कृपा समर्थ श्री रामदास जी की कृपा से किया। 175 और सामने में लाखों मुगल। पूछा किसी ने शिवाजी से, हाउ इज इट पॉसिबल, बोला कम हियर, ले गए पीछे झोपड़ी में। तब 90 साल की उम्र समर्थ श्री रामदास जी ऐसे बैठते ऐसे करके ले गए, बोला देख मेरे युद्ध, मेरा छत्रपति होने का गौरव सब इनके इस हाथ में छिपा हुआ है। बोला ये तो बहुत बूढ़ा है, ये कैसे युद्ध लड़े होंगे? युद्ध शरीर थोड़ा ही लड़ता है, विवेक लड़ता है। श्री कृष्ण के सारे लोग विरोधी थे। अभी मैं बताऊंगा कितने राजा विरोधी थे श्री कृष्ण के। उस समय जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया, काल यवन आया था कहां से? ग्रीक यूनान से, जरासंध के पक्ष में। पूरी दुनिया में श्री कृष्ण के इतने विरोधी राजा थे, भारत में इतने विरोधी राजा थे, फिर भी दिग्विजयी कौन थे? श्री कृष्ण अकेला। मैंने कहा मिलिट्री बेस के ऊपर द्वारिका में गए थे, तीन तरफ से घिरी हुई थी समुद्र से। भगवान बोले कम से कम तीन तरफ से तो सुरक्षित रहें, एक तरफ से आएंगे तो लड़ लेंगे, देख लेंगे, नहीं चारों तरफ से तो हमारे विरोधी भरे हुए हैं। इसलिए मिलिट्री बेस बनाया था जाकर के वहां पर भगवान ने। अब पढ़िए अपने ग्रंथों को, और इशारा भी किया हुआ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं। सैन्य प्रबंधन की दृष्टि से द्वारिका को चुना गया कि तीन तरफ से सुरक्षित रहेगा, एक तरफ से आएंगे तो बलराम जी का हल ही काफी है, खैच देंगे, हल लगा के तो बड़ों बड़ों को समस्या का समाधान मिल जाएगा। बलराम जी के कंधे पर हल है, हल का मतलब सॉल्यूशन। बलराम जी के पास जाओ तो हर चीज का सॉल्यूशन हल है, प्रश्न नहीं है। अरे जिनके भाई कृष्ण हो, हल उन्हीं के पास हो सकता है। जीवन में खाली प्रश्न ही प्रश्न हो, उनके जीवन में हल कहां से? कुछ लोग केवल प्रश्न 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 प्रश्न। अरे तुम्हारा नाम क्या प्रश्नानंद है? हर समय प्रश्न, प्रश्न जरूर करो पर परीक्षित की तरह करो। एक प्रश्न किया परीक्षित ने तो श्रीमद् भागवत की कथा आ गई। बताओ महाराज, एक प्रश्न किया और ग्रंथ आ गए। एक प्रश्न किया पार्वती ने, रामायण आ गया। रामायण आदि कवि वाल्मीकि तुलसीदास सब ठीक है, लेकिन आप जानते ही हैं कि रामायण के रचयिता कौन है? रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखर राधा। रचि महेश निज मानस राखा, रचना करके रखे हुए थे, कोई मिले तब तो कहूं। कौन सुनेगा, ये आप लोगों का गाना है बॉलीवुड का, किसको सुनाए। तो महेश भी रचना करके चुप थे कि कोई तो ऐसा पात्र मिले जिससे राम कथा सुना सकूं। सती को तो नहीं सुना पाए, अपनी अर्धांगिनी थी, सुनाने ले भी गए कुंभज ऋषि के पास तो सुनने से इनकार कर दिया सती जी ने। इसलिए पत्नी पर भी भरोसा कम हो गया था कि जब पत्नी नहीं सुनती यार तो दुनिया में कौन सुनेगा। दूसरे जन्म में जब वही सती पार्वती बनकर के आई, अपने गुरु नारद की कृपा से जोरदार तपस्या करके, और तब जब उन्होंने पूछा, बोला अब बताऊंगा उमा, तुम कथा सुनने के योग्य हो। और बाकी जब भोलेनाथ का याद आता है तो ये बात सच में याद आता है, सबको याद रखना चाहिए, यही मूल है आध्यात्म का। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं इतना कंजूस हो गया हूं कि मैं भजन में गाने में मैं सोचता हूं 3 घंटा मेरे पास है तो कहीं बर्बाद ना हो मेरा। एक जैसे गैया के थन में जब दूध भर जाता है ना, पूरा भर जाती है, तो सुबह व्याकुल हो जाती है कब बछड़ा आए और पिए। मैं हृदय से कहता हूँ, सत्य कहता हूँ लक्ष्मी नारायण जी, एक गुरु भी जब रात भर भागवत और रामायण के चिंतन में होता है तो सुबह बेचैन हो जाता है कि कब कोई आए और उसको पूरा का पूरा दूध पिला दूँ, बांट दूँ। एक मिनट भी इधर उधर कुछ नहीं बात करना चाहते, उनको लगता इतना बज गया, ये इतना ही बोल पाया, हे भगवान इतने लोग आए थे मैं सही बता नहीं पाया, ये भी बता सकता था, ये भी कह सकता था, कितना छोटा सूत्र था, कितना छोटा सूत्र था। जैसे एक मैया हमेशा बेटा चाहे इतना खा जाए, कई कई मैयाओं के बेटा को मैंने हाथी देखा है, मतलब गणेश जी जैसे एकदम ऐसे, और कहेगी महाराज जी कुछ खाता पीता नहीं, हम कह मुझे खिला दे, अब हम ही बचे हमको खिला दे तब शायद इसका कुछ कल्याण हो, बताओ महाराज ऐसे है, मतलब कुछ क्यों, ये माँ का स्नेह है, ममता है, पुत्र कुछ भी खा ले मैया को लगता ही नहीं कि मेरा बच्चा खा गया। बताओ जब माँ को ऐसा लगता होगा तो हमारी मैया राधा रानी को हमारे लिए कैसा लगता हो, किशोरी जी के लिए कैसा लगता हो, क्या नहीं लगता हो, क्या वो परम माता किशोरी हमारी। तो ये स्नेह की भावना है माता और पिता की अपने संतान के प्रति, ये स्थूल बात नहीं है कि वो कितना मोटा कितना पतला हो गया है, माँ का स्नेह इतना भरा हुआ है स्तनों में, माँ का स्नेह और प्रेम अपने बच्चे के लिए इतना भरा हुआ है कि कुछ भी उसके लिए हो जाए, पर एक माँ को हमेशा लगता है बच्चे को कमी रह गई, अपने बेटे के लिए मैं ये नहीं कर पाई, पिता को हमेशा लगता है इसके लिए ये नहीं कर पाया मैं, कर सकता था।